ट्राई करो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है। टू थाउजेंड थर्टीन में आया था। कहता है कि ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है और एक स्टोन को गिराया जाता है एच हाइट की बिल्डिंग से, और जो स्टोन है एच वन एच टू एच थ्री नेक्स्ट 5 5 सेकेंड में इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल करता है। अब हमें निकालना है एच वन एच टू एच थ्री में रिलेशन, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन आपको यहाँ समझाता हूँ। अगर एक बिल्डिंग है, ठीक है, समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि अगर एक बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, अगर इस बिल्डिंग के किसी हाइट से, यहाँ से मैं एक स्टोन ड्रॉप करता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, चलो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसको यहाँ से ड्रॉप कर दिया हमने, ये तो जो यहाँ से जो एच वन डिस्टेंस चला स्टोन जब यहाँ आया था, ठीक है, तो उसको टाइम 5 सेकेंड लग गया था। अब जब यहाँ से एच टू डिस्टेंस आया, ठीक है, एच टू डिस्टेंस आया तो इसमें भी 5 सेकेंड लगा, नेक्स्ट 5 सेकेंड, तो ऊपर से लेके 10 सेकेंड लग गया और ये डिस्टेंस एच टू हो गया। जब ये तीसरे वाले पॉइंट पर आया तो ये नेक्स्ट 5 सेकेंड, मतलब ऊपर से 15 सेकेंड हो गया और डिस्टेंस एच थ्री हो गया। क्लियर है? यहाँ से लेके एच वन, फिर ये 5 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड के इंटरवल में, लेकिन मैं ऊपर से काउंट करूँ तो एच वन एच टू एच थ्री में चलने के लिए 5 सेकेंड, 10 सेकेंड और 15 सेकेंड लगा होगा, ठीक है। तो हमें एच वन एच टू एच थ्री में रिलेशन निकालना है। क्लियर? चलो, अगर मैं देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं, टॉप से ऊपर से लगाता हूं, ठीक है, और नीचे मैं पॉजिटिव ले लेता हूं। नीचे अगर मैं पॉजिटिव ले लूं तो एच वन इज इक्वल टू हाफ जी टाइम टी वन स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 25 25 z/2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना। अब एच टू के लिए लगाते हो, एच टू के लिए लगाओगे तो एच टू के लिए हाफ जी और 10 का स्क्वायर, हाफ जी 10 का स्क्वायर 100 z/2 इक्वेशन नंबर टू। तीसरे एच थ्री के लिए लगाओ, एच थ्री के लिए लगाओगे, एच थ्री के लिए लगाओगे तो ये आ जाएगा हम लोगों को हाफ जी और 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 225 z/2 इक्वेशन नंबर थर्ड। 15 15। अब हमें एच वन एच टू एच थ्री में रिलेशन निकालना है, तो यहां से एच टू में मैं एक मिनट, डिस्टेंस इट कवर डिस्टेंस नेक्स्ट 5 मिनट में अलग अलग 5 सेकेंड में एच वन एच टू चलता है, डिस्टेंस थोड़ा सा हम लोग एक्चुअली यहाँ मिस्टेक हो गया, तो डिस्टेंस जो है एक्चुअली जो एच वन है वो समझना है, इसका जो एच वन है यहाँ से लेके एच वन है, ठीक है, और ये जो ये इंटरवल है पूरा एच टू, ये पूरा जो होगा वो एच टू प्लस एच वन होगा यार, ये एच टू है, ठीक है, और ये एच थ्री है, ठीक है, तो ये पूरा कितना होगा वो एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, तो इसलिए यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो 5 5 सेकेंड के इंटरवल में, यहाँ एच वन प्लस एच टू आएगा और यहाँ एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री, ये वाला सोल्यूशन, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है, एच वन एच टू एच थ्री का रिलेशन निकालना है, तो एक काम करता हूँ, एच वन की वैल्यू लाके यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है, एच वन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो मुझे एच टू साफ दिखने लगेगा, तो यहाँ से अगर मैं H1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो H2 की जो वैल्यू आ जाएगी, H2 की वैल्यू आ जाएगी वो 100 z/2 और माइनस माइनस 25 z/2, मतलब ये आ जाएगा 75 z/2, दैट इज द H2। और अगर यहाँ पे समझना, ठीक है, एक एक 5 5 सेकेंड के इंटरवल पे दिया तो मैं पूरा टॉप से काउंट कर लिया, तो यहाँ से जो 75 z/2 है इसमें मैं एच टू है तो इसमें एच वन डाल दूँ, तो एच वन डाल दूँ यहाँ से, एच वन डाल दूँ तो ये आ जाएगा 3 3 टाइम्स H1, ठीक है, 3 टाइम्स H1। इसका मतलब ये हुआ कि एच वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी H2 अपॉन 3, तो क्या H1 इज इक्वल टू H2 अपॉन 3,
ठीक है, बाकी आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। एच वन इज इक्वल टू फोर्थ ऑप्शन मैच कर रहा है, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लो भाई। जब ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए जब तुम कॉन्फिडेंट हो, तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, और करना चाहते तो कर लो। यहाँ एच थ्री की वैल्यू निकाल लो, एच थ्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच थ्री की वैल्यू आ जाएगी 225z/2 और माइनस h1 + h2। ठीक है, h1 + h2 100g है, तो 100g 125z/2, और 25z/2 मतलब 5 times h1, मतलब h1 इज इक्वल टू h/3/5। सॉल्व करने आता है ना, ठीक है, देखो ये क्लियर है।